हाँ जी, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संबलपुर सिटी। यहाँ का एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है अभी, कमेंट करके बता देना कौन सा सॉन्ग है वो। भाई पूरे सब्जी में गिन के दो पनीर है, देख लो ये खाना मुश्किल है। हाय भैया, कैसे भाई? अरे हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत मालूम है कहाँ से मैं कर रहा हूँ? कानपुर और प्रयागराज के बीच पे कहीं से तो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी भी यहाँ से जो प्रयागराज है ना अराउंड 74 किलोमीटर दूर है। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो हम लोग निकले थे न्यू दिल्ली से, 5 बजे हम लोगों ने लिया था ये न्यू दिल्ली भुवनेश्वर न्यू तेजस राजधानी। जब से आया था ना तभी से मुझे इसका वीडियो बनाना था, लेकिन उस टाइम मैं श्रीलंका में था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। फाइनली ये ट्रेन ले लिया हूँ मैं, और ऑलरेडी एक पार्ट का बन भी चुका है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो एंड होने के बाद जाके देख लेना। टिकट प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग, कोचेस वगैरह, क्या क्या कोच है, किस कोच का क्या रेट है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, डिनर वगैरह सब कुछ दिखाया है। तो कोई नहीं, ये पार्ट देख लो, इसके बाद जाके इसके पहले वाला पार्ट देख लेना। वैसे मैं बता दूं, इस ट्रेन में मैंने फर्स्ट एसी में अपना टिकट बुक किया है, जैसे कि आप देख रहे हो मुझे कूप मिला है। इस कूप के लिए मैंने पे किया है 2 टिकट के लिए 13,050 रुपए पर टिकट, वही 6,500 रुपए करके, बहुत ही एक्सपेंसिव है टिकट। और अभी तक का मैं बोल सकता हूँ बुक किया हुआ मेरा सबसे एक्सपेंसिव टिकट है ये। भाई इतना महंगा मैंने कभी ट्रेन टिकट बुक नहीं किया फिलहाल। वैसे अभी तो काफी रात हो गया है, कुछ दिखाने को है नहीं। लाइट पहले ऑफ करता हूँ मैं, ये देख लो बाहर काफी ज्यादा डार्क है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। फिलहाल देख लो अपना बेड लग चुका है, अब सोने का तैयारी हो रहा है अभी। और अभी अपना ट्रेन देख लो प्रयागराज पहुंचने वाला है, और नेक्स्ट स्टेशन यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है प्रयागराज जंक्शन। और ट्रेन का स्पीड देख लो अभी 100 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चल रहा है अपना ट्रेन। तो ये चीज काफी अच्छा लगा, काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कुछ ऐसा कूप है अपना, अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट देखा हुआ था, इस सब कुछ का मैंने टूर दिया था। इसमें एक मिरर मिलता है जिसमें टच लाइट है, जैसे कि मैंने अपने वॉशरूम में भी लगाया है। तो अभी तो इसको बंद कर देते हैं। चलो जी अब जाते हैं सोने के लिए, अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा दिखाने का तो जरूर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं सोकर उठा, और जैसे मैं सोकर उठा ना हमारा ट्रेन रुका हुआ था गोमो रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे काफी देर रुका हुआ था। अभी जस्ट हम लोग स्टेशन से निकले हैं और ट्रेन अपना शायद 5-10 मिनट लेट है, तो वही अभी काम करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं फिर मिलते हैं। ये देखो आपको ना बीच बीच में ऐसे व्हाइट ये जो फूल दिख रहा है, ये सारा जो व्हाइट व्हाइट फूल आपको दिख रहा है ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। इसको वैसे काश फूल बोला जाता है, और ऐसा हमारे कोलकाता में बोला जाता है कि जब ये काश फूल दिख जाता है आपको तब समझो दुर्गा पूजा आ गया। मतलब जब ये काश फूल आता है तब दुर्गा पूजा भी आता है, क्योंकि ये जो फूल होता है ना बस आपको दुर्गा पूजा वाले टाइम में ही दिखेगा। वैसे तो सबसे पहले बेड ही आता है, लेकिन हम लोग तो सोए हुए थे उस टाइम, तो अब शायद ब्रेकफास्ट ही आएगा डायरेक्टली। वैसे देखा जाए ना तो अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर कर गए, ये कोई तो अभी रुकनी स्टेशन आने वाला है, लेकिन यहाँ स्टॉप नहीं है हमारा, हमारा स्टॉप होने वाला है अनारा। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनारा रेलवे स्टेशन, और यहाँ अपना ट्रेन आया 15 मिनट डिले अपने इस भुवनेश्वर तेजस राजधानी का। अनारा स्टेशन में 2 मिनट का हॉल्ट है, और देख लो स्टेशन में कुछ भी नहीं है भाई, घास फूस है। बाय द वे मैं बता दूं अभी हम लोग ऑफिशियली वेस्ट बंगाल में। लो जी फाइनली अपना ट्रेन निकल चुका है अनारा रेलवे स्टेशन से, और ये हो गया गेट क्लोज। देख लो भाई अपने कूप में आ चुका हूँ वापस से, और अभी भी ये मैडम सो रही है। लवली ओए भुवनेश्वर आ गया, उठो भाई। अभी लगभग सुबह का 8:30 बज रहा है, अभी तक सोई हुई है। अनारा से निकलने के बाद जो अपना अगला स्टॉप है ना वो है चक्रधारपुर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर दूर है। और ये रूट भी ना थोड़ा नया है मेरे लिए, कुछ कुछ जगह मतलब है, मतलब वहाँ से होके गया हूँ, लेकिन मैक्सिमम जगह मेरे लिए नया है। तो ट्राई करेंगे स्टेशन भी आपको दिखाने का, और अभी वैसे थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट भी आएगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। लगभग अभी सुबह का 9 बजने वाला है, और देख लो मैडम सो के उठ गई है। ट्रेन रात में पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ।
नहीं नहीं, सो जा। ये उठते नहीं भाई, ये चाय अभी देकर गया ना, इसलिए ये ऊपर से फुट करके नीचे आ गई, उठाकर परेशान हो गया। उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। खैर कोई नहीं, फिलहाल देख लो यहाँ पे अपना चाय आ चुका है। भैया बता रहे थे कि सर बना के आपको चाय दे दे, मैं बोला नहीं भैया वो चाय भी बढ़िया नहीं होता है, और वो जो टी किट वाला देते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है, तो अभी करे तो करे क्या। तो अभी हम लोगों ने टी किट देख लो थोड़ा एक्स्ट्रा मांग लिया, तो यहाँ पे टोटल 2 टिकट, यहाँ पे टोटल 3 टिकट। तो इतना चाय हम लोग नहीं पियेंगे। इसके अंदर जो मिल्क क्रीमर होता है ना, ये जो कल शाम को हमें मिला था, इसके थ्रू हम लोग अपना चाय बनाएंगे खुद से। आपको ही पता है कि अपना चाय मैं खुद ही कैरी कर रहा हूँ। और ये भाई साहब, ये जो यूनिपिक का ओट्स डाइजेस्टिव बिस्किट है ना, कमाल का होता है भाई। ये बिस्किट कभी ट्रेन में मिला तो खाना, मस्त है ये बिस्किट। अभी देखना पड़ेगा, इसको ऊपर रखना चाहिए था बैग में। ये देख लो अपना प्यारा दुलारा टीम इंडिया का जर्सी, अभी तक हम लोग घर ही नहीं गए। यही है देख लो अपना चाय है, एक ही है। देख लो जी, ये अपना चाय बनकर हो गया रेडी, और क्या बढ़िया चाय लगता है ना, ये अदरक इलायची वाला चाय है। ये आप अपने साथ ना ट्रैवल के टाइम में कैरी कर सकते हो, #NoPromotion। चाय उसने मुझे पैसा नहीं दिया है या फिर चाय गर्म है, लेकिन फिर भी बढ़िया होता है ना, जो चाय लवर है उनके लिए काफी बढ़िया हो जाता है ये चीज। बाकी अपने चाय पीते हैं, थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट भी आएगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी तो अपना ट्रेन थोड़ा धीरे हुआ है, पता नहीं क्यों, शायद क्रॉसिंग के लिए। हर जगह अभी आपको देख लो काश के फूल दिख जाएंगे। ओहो, वो वाले पार्ट देखो भाई साहब, कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारे। तो भाई जो भी बोलो, इस रूट में कमाल के है, लेकिन यही है ना, इस ग्लास के वजह से ना प्रॉपर अच्छा व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ बाहर का। बाकी मजा आ रहा है बाहर का नज़ारा देख के। हाँ जी, तो अभी टाइम देख लो 9:30 बज रहा है, और ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। इनके पास जो जो ऑप्शन था सभी मैंने ऑर्डर कर लिया है। एक कटलेट उन्होंने बोला था, वेज नॉन वेज का जो ऑप्शन रहता है वो तो था ही, जैसे नॉन वेज में वही ऑमलेट ही रहता है और कुछ रहता नहीं है, और वेज में इनके पास कटलेट और उपमा का ऑप्शन था, मैंने दोनों ही मंगवा लिया है। ये सब कुछ आ गया देख लो, ये तो ब्रेड है, इसमें पता नहीं क्या दिखाता हूँ मैं, साथ में कॉर्नफ्लेक्स, और ये क्या है, चाय सामग्री, फिर से ये देख लो, इसमें चाय सामग्री, शुगर, जैम, केचप, सॉल्ट एंड पेपर, ये बटर। तो अच्छे से इन्होंने अलग से पैक कर दिया है, बढ़िया है, एक ही प्लेट में सारा कुछ है ना। ये तो आपका कॉर्नफ्लेक्स के लिए, ये चाय के लिए, चाय तो हम लोगों ने पी लिया ऑलरेडी, और बनाना को भी देखो इन्होंने काफी अच्छे से ना टिश्यू में रैप कर दिया है। तो देख लो जी, ब्रेकफास्ट में नॉन वेज में हमें ये ऑमलेट मिला है, साथ ही उपमा तो है ही, उपमा देख कर बढ़िया लग रहा है, सच बता रहा है। और वेज में कटलेट और उपमा दोनों ही मिला है, बॉइल्ड वेजेस भी है, फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया देखो, मतलब नरम सा हो गया। वैसे मैंने इस ट्रेन का ना कटलेट का काफी तारीफ सुना था, और देख कर भी लग रहा है काफी बढ़िया है ये। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये इनका कटलेट, लेकिन ये जो इसके ऊपर दे देते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, काला जीरा, ब्लैक पेपर जीरा वगैरह जो दे देते हैं ना, वो पसंद नहीं आता मेरे को। कटलेट तो है भाई बढ़िया इनका। एक ट्रेन में आपको बता रहा हूँ, वो ट्रेन अहमदाबाद जाता है, सर वो अहमदाबाद राजधानी है फिर कोई तो ट्रेन है, वो ट्रेन फेमस ही है अपने कटलेट के लिए, वहाँ का कटलेट बहुत अच्छा होता है। बाकी ये भी बहुत बढ़िया है। अभी देखते हैं ये उपमा कैसा है, मस्त इन्होंने देख लो प्याज वगैरह मिक्स करके बनाया है। उपमा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो देख के अच्छा लग रहा था। वाह, इनके उपमा में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये जो इन्होंने अनियन डाला है ना, इसका एक अच्छा सा स्वीटनेस आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओवरऑल अपने ब्रेकफास्ट में तो यही है, और साथ में ऑमलेट भी है, तो वही सोच रहे हैं आज बहुत दिनों बाद वापस से अपना मोहित स्पेशल सैंडविच बनाएं, वो भी इस नई नवेली न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी में। वैसे बाहर का व्यू ना यार, मतलब ध्यान भटका रहा है मेरा बार बार। ब्राउन ब्रेड होता ना तो सैंडविच बनाने में ज्यादा मजा आता है, व्हाइट ब्रेड में उतना मजा नहीं आता, और ऊपर से ब्रेड भी ना फ्रेश नहीं है, देखो नहीं कड़क है। सबसे पहले क्या करना है कि ब्रेड में लगा लेना है बटर, और देख लो बटर लगाने के लिए भी ना कितना बढ़िया नाइफ मिला है हमें, बढ़िया से एकदम बटर लगा लो अच्छे से। अब सबसे मेन काम ब्लैक पेपर, ये बहुत जरूरी है, काफी लोग ना इसको डालते नहीं है, एक बार इसको डाला करो बहुत अच्छा लगता है। फिर जाएगा केचप, बहुत सिंपल रेसिपी है ये। अभी के लिए भी हम लोग थोड़ा अमीर है, हमारे पास ऑमलेट भी है कटलेट भी है, तो थोड़ा ये अमीरी वाला सैंडविच बनेगा। ये देख लो एकदम मैंने साइज का काट के रखा था, इसके ऊपर से कटलेट भी बहुत टेस्टी है, तो कटलेट भी डाल देंगे। और कटलेट डाल के क्या करेंगे ना, थोड़ा सा बीच से इसको कट कर देंगे ऐसे। ये रेडी हो गया मेरा मोहित स्पेशल सैंडविच, देख लो भाई कितना बढ़िया नजारा है ना, पूरा व्हाइट व्हाइट हो रखा है हर जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो पूरा भरा हुआ था जब तक मैंने कैमरा ऑन किया, ये देखो वापस से, वाह देख लो जी,
हर जगह काशफुल, शिव मंदिर, रेलवे सुरक्षा बल, सीनी। अच्छा अभी हम लोग कहीं सीनी में, तो जितने भी लोग सीनी से देख रहे हो हाय हेलो। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं सीनी रेलवे स्टेशन। चलो जी ब्रेकफास्ट हो गया अपना कंप्लीट, और देख लो अपना कोच ना बढ़िया से साफ भी करके चले गए, स्प्रे वगैरह मस्त एकदम मार दिए हैं, और अपना देख लो कॉफी भी रेडी है, उन्होंने कॉफी बनाकर दिया हमें। और ये जो साफ सफाई करने के लिए आए थे ना, ये फॉर्म देकर गए हैं, फिलअप करते हैं अपने साइड से भाई दे देंगे। साफ सफाई बहुत बढ़िया है, वॉशरूम भी मैं गया था, वॉशरूम भी अच्छा था, डस्टबिन को खाली करके जा रहे हैं या फिर इसको साफ करके जा रहे हैं, अच्छा लगा। अभी एक और वाटर बॉटल मांग लेते हैं। ऐसा होता है कि अगर आपका जो जर्नी है ना 20 घंटे से ऊपर का है, तब आप एक दूसरा बोतल भी ले सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम। देखो कितना नीचे की तरफ है, घूम कर उतरना पड़ेगा, वो भी दिखता भी नहीं है ना। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चक्रधारपुर। यहाँ पे अपना जो ट्रेन है ना हाफ एन आवर डिले है अपने इस तेजस राजधानी का, चक्रधारपुर में बस 2 मिनट का हॉल्ट है। चलो जी फाइनली सिग्नल हो चुका है और ये निकल गया अपना ट्रेन चक्रधारपुर से। वैसे ना हम लोग उड़ीसा बॉर्डर के एकदम पास में ही है फिलहाल, अभी तो हम लोग झारखंड में। वैसे मैं बता दूं अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है ना वो है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में आता है। फाइनली अभी थोड़ी देर में हम लोग एंटर कर जाएंगे उड़ीसा। फिलहाल अभी मेरा एडिटिंग का काम बचा हुआ है, इसको कम्प्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। वैसे ये जो इन्होंने कॉफी बना के दिया था ना, मैं तो ऐसे ही भूल गया था रख के, तो लवली ही याद दिलाए कि कॉफी पड़ा हुआ है पी लो। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देख लो राउरकेला, और ट्रेन अपना यहाँ पे 40 मिनट डिले है। वैसे मैं बता दूं मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ राउरकेला, तो जितने भी लोग राहुल के लिए से मेरा वीडियो देख रहे हो हाय हेलो ढेर सारा प्यार। हाय भैया, हाय कैसे भाई? अरे अरे थैंक यू सो मच भाई साहब। बाय द वे फर्स्ट टाइम राहुल के लिए में मेरा, एक्चुअली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला आपको आधे घंटा पहले। बढ़िया ऑल राइट। तो फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ राउरकेला, और ट्रेन अपना यहाँ पे 38 मिनट डिले है, और मैं बता दूँ यहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है। थैंक यू भाई। अभी राउरकेला आना है, एक्चुअली मेरे रिलेटिव भी रहते हैं इधर, तो घूमने के लिए भी थोड़ा आना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी लोग आ गए थे मिलने के लिए, काफी लोगों का मैसेज आता है मुझे राउरकेला से, भाई देखो आ तो नहीं पाया कभी, आप में से काफी लोग आ गए मुझसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो राउरकेला से अपना ट्रेन निकल चुका है, और मैं बता दूँ राउरकेला से निकलते ही यह आ चुका है अपना सूप। और अभी ना मैं थोड़ा सा चेंज भी कर लिया, कल से वो टी शर्ट डाल रखा था, नहाया तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा अंडर गार्मेंट्स वगैरह भी चेंज करके आया मैं, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी हाँ होटल लेते ही सबसे पहला काम है नहाने का, हालांकि फर्स्ट एसी में नहाने का भी ऑप्शन है, कोई नहीं चलो होटल जाके नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी वैसे क्रॉस कर रहे हैं ब्रह्मानी रिवर। सूप अपना ट्राई कर लिया हम लोगों ने, और भाई ने जो बिरयानी दिया था ना वो भी हम लोगों ने हाफ हाफ खा लिया, मजा आ गया। आज तो लंच के लिए हम लोगों ने बोल दिया भैया थोड़ा लेट ही लंच देना। राउरकेला से निकलने के बाद अपने इस तेजस राजधानी का जो नेक्स्ट स्टॉप है ना वो है झारसुगुड़ा जंक्शन। झारसुगुड़ा के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे संबलपुर सिटी। अभी फिलहाल जल्दी से काम कम्प्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। अभी झारसुगुड़ा तो नहीं आया लेकिन अपना लंच उससे पहले आ गया। एक्चुअली मैंने बोला था भैया को थोड़ा सा लेट करके देने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना साइड से जितना लेट हुआ उतना लेट हमें दिया है। और मैंने बोला था भैया रात में भिंडी का सब्जी बहुत बढ़िया हुआ था, ट्राई करना अगर वापस से बन जाए तो, अगर बना होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। और वैसे इस बार भी हम लोगों ने दोनों वेज ऑर्डर किया है। चलो दिखाते हैं लंच में आज हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो ये आलू और गोभी की सूखी सब्जी। चिकन दे दिया क्या गलती से? चिकन है या पनीर है? नहीं नहीं पनीर है, इतना मसालेदार भाई, पूरे सब्जी में गिन के 2 पनीर है देख लो, और बहुत मसालेदार है ये तो भाई खाने से आराम है। बाकी दाल फिर भी ठीक लग रहा है देखकर। यार मैंने भिंडी बोला था बनाने के लिए, शायद भैया ने नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, पर बुलाता हूँ मैं। ये बेल दबाओ, कोई ना कोई आ जाएगा आपके पास। तो हाँ फर्स्ट एसी में ना एक ये चीज़ का फ़ायदा होता है आपके पास, वो बेल का ऑप्शन मिल जाता है आपको। फिलहाल देख लो यही अपना लंच है, क्या इसमें मैं ट्राई करके रिव्यू दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पनीर में देख के बता रहा हूँ बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, एक तो मसालेदार है बहुत ज़्यादा। हाँ जिसको मसाला खाना पसंद है उनको अच्छा लगेगा। फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद अपना ये देख लो भिंडी का भुजिया भी आ चुका है। यही मुझे सबसे अच्छा लगा पूरे इस ट्रेन जर्नी में, ये भिंडी का भुजिया
साथ में रोटी, राइस भी नहीं रोटी, और ये कॉम्बिनेशन को बीट करना बहुत मुश्किल है। और पहली बार ऐसा हो रहा है फर्स्ट एसी में मुझे पनीर के अलावा कोई अलग सा सब्जी पसंद आया। ट्रेन में इतना मसाला वाला खाना, ये खाना मुश्किल है। दाल भी चलो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात वाला दाल ज्यादा अच्छा था। ओवरऑल मेरे को ये दोनों ही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी इसके अलावा थोड़ा बहुत राइस चल जाएगा दाल और भिंडी का भुजिया के साथ। और ट्रेन अपना हाफ एन आवर से भी ज्यादा डिले चल रहा था, अभी अपना ट्रेन बस 8 मिनट डिले है। लो जी, खाना ट्राई करते करते ये हम लोग पहुंच चुके हैं झारसुगुड़ा जंक्शन, और यहाँ अपना ट्रेन बस 6 मिनट डिले है। एग्जैक्टली 2 मिनट बाद हमारा ट्रेन निकल चुका है देख लो झारसुगुड़ा से, और यहाँ पे बस इसका 2 मिनट का ही हॉल्ट था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है संबलपुर सिटी, जो कि ज्यादा नहीं यहाँ से बस 44 किलोमीटर दूर है। अपना वैसे लंच हो गया है कंप्लीट, और सच बता रहा है जितना मजा डिनर खाने में आया था ना उतना लंच में बिल्कुल भी नहीं आया। बस 2 चीजें अच्छा था, एक रोटी और भिंडी का भुजिया, और उसके अलावा तो फिर खाया जैसा तैसे करके हम लोगों ने। और ये अभी मिल चुका है हमें देख लो आइसक्रीम खाने के बाद। हाँ जी, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संबलपुर सिटी, और अपना ट्रेन यहाँ पे आया हुआ है 8 मिनट डिले, और अपने इस तेजस राजधानी का ना इस स्टेशन में ज्यादा नहीं बस 2 मिनट का हॉल्ट है। ये देख लो संबलपुर सिटी। हमारा जो ट्रेन का हॉन्ग है ना बिल्कुल एकदम टॉय ट्रेन की तरह है। यहाँ का एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है, अभी कमेंट करके बता देना कौन सा सॉन्ग है वो। फाइनली अभी हम निकल चुके हैं संबलपुर सिटी से, और इतना तेज धूप है ना भाई साहब यहाँ पे, बहुत ही भयंकर धूप है। और ये गेट भी हो गया क्लोज। और फर्स्ट एसी का मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, ये जो गैलरी होता है ना मेरे को ये सबसे बढ़िया लगता है। खाना पीना खाओ, मस्त अपना वॉक करो। भाई साहब संबलपुर निकलने के बाद ना मैं तो एकदम गहरी नींद में सो गया था, मैं बोल के भी रखा था। एक्चुअली क्या होता है ना, शाम के 4 बजे तक वो लोग इवनिंग स्नैक्स देते हैं, मैं बोला था भैया जब भी दोगे 5 बजे के बाद ही देना, क्योंकि अभी कुछ खाने का मन नहीं है, तो जो भी दोगे एकदम 5-5:30 बजे के आसपास देना। तो भैया ने ठीक 5:30 बजे मतलब 5:20 में हमें हमारा इवनिंग स्नैक्स देने के लिए नॉक किया। ये रहा देख लो हमारा इवनिंग स्नैक्स, और यहाँ देख लो भाई साहब वैसा देख लो हमें इवनिंग स्नैक्स में ना ये सब कुछ मिला है, आलमंड्स है, सैंडविच, ये सबसे बढ़िया मतलब इसमें ना सबसे बढ़िया मुझे यही लगा हल्दीराम का ये ड्राई फ्रूट पतीशा बहुत बढ़िया होता है। और इवनिंग में हमें देख लो समोसा मिला, भाई समोसा में तेल देख लो एक बार, केचप है, सैनिटाइजर है, ये टी किट है, लेकिन इसको छोड़ो भैया ने यहाँ पे अलग से बना कर दिया है हमें चाय, मतलब पेंट्री में बनाओ, यहाँ पे पेंट्री में बना हुआ चाय भैया ने बना के दिया है। और जो सुबह में इन्होंने कॉफी बना के दिया था ना भाई बहुत बढ़िया था, चाय का तो खैर पता नहीं, चाय भी बता देंगे आपको, कॉफी बहुत बढ़िया था। चाय बढ़िया, एक चीज मैंने देखा इनका जो कॉफी चाय बढ़िया है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ढेकनाल, और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और अपना ट्रेन यहाँ पे 45 मिनट डिले चल रहा है। और इस जगह के बारे में ना मैंने बहुत पहले जब मेरा चैनल नया नया स्टार्ट हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाया था पीके महानंदिया के बारे में, प्रद्युमन कुमार महानंदिया, आप सर्च करना गूगल में इनके बारे में, जो न्यू दिल्ली टू स्वीडन सेकेंड हैंड साइकिल से मतलब साइकिलिंग करके गए थे, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, एक बार चेक करना मेरा वीडियो, पता नहीं मैंने उसको प्राइवेट कर दिया या फिर लाइव है, मैंने बनाया था एक वीडियो। फिलहाल बस 2 मिनट का हॉल्ट है, जाते हैं अंदर, इंडिया अच्छा बैटिंग कर रहा है। ढेकनाल से निकलने के बाद बस अब एक ही स्टॉप रह गया है जो कि है कटक, कटक के बाद आ जाएगा भुवनेश्वर, ऑलमोस्ट अपना जर्नी होने वाला है एंड। और वो जो आता है ना लास्ट में टिप मांगने के लिए वो भी आके अपना हो गया काम हो गया, वो जब आ जाएंगे तो समझना ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। देख लो जी ट्रेन अभी अपना क्रॉस कर रहा है महानदी, बस अभी हम लोग कटक पहुंचने वाले हैं, ये महानदी क्रॉस होते ही आ जाता है कटक, और हम लोग पहुंचेंगे कटक ऑलमोस्ट 45 मिनट डिले। लो जी चलते हैं गेट पे। yeah,
अरे अरे आप लोग ये सब क्यों लाते हो यार, कैसे हो, नेम बता दो अपना। नाम अफान है। ओके अयान, चलो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओके फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटक, ट्रेन अपना यहाँ पे 45 मिनट डिले है और कटक में भी अपने ट्रेन का बस 2 मिनट का हॉल्ट है। लो जी सिग्नल हो चुका है, ये देखो लवली से लोग मिलने गए हैं। बस अब कटक से निकलते ही अपना ट्रेन रुकेगा भुवनेश्वर। रजत भाई अगर कटक में रहते हैं तो जरूर मिलते हैं, लेकिन वो अभी कोलकाता में। कोई बात नहीं भाई, कोलकाता में मिल लेंगे आपसे। चलो जी फाइनली अपने अब कूप में जाते हैं, पैकिंग का पूरा तैयारी करते हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है उसको पैक करते हैं। और बाकी फ्रेंकली बता रहे हैं इस ट्रेन का ना खाना उतना बढ़िया नहीं लगा भाई, मतलब खाना और अच्छा हो सकता है। अगर ये नॉर्मल ट्रेन होता ना कोई, तब तो एक रहता कि चलो ठीक है यार अभी ट्रेन में इससे अच्छा क्या ही खाना मिलेगा। मैंने भाई तेजस राजधानी में इससे बढ़िया नहीं मतलब 10 टाइम बेटर खाना खाया हुआ है। उधर खाया है तो इधर क्यों नहीं, तो इधर भी हो सकता है। तो एक चीज है कि हाँ खाना थोड़ा और बढ़िया होता तो मजा आ जाता, अदरवाइज जर्नी काफी बढ़िया था। ट्रेन देखो कितना डिले है, ज्यादा तो नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट डिले होगा, वो भुवनेश्वर पहुंचने के बाद ही मैं बता पाऊंगा एग्जैक्ट टाइम। पिछले 27 से 28 घंटों के लिए ये हमारा घर था, देख लो ये हमारे घर का गैलरी जी, हम लोग खा के वॉक करते थे। जर्नी अपना होता है समाप्त और 4 किलोमीटर बाद फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर। अपना ट्रेन भुवनेश्वर पहुंचा है 45 मिनट डिले। चलो अभी काम करते हैं, रूम जाते हैं, बाकी का बात रूम जाके करते हैं। कल रात में तो होटल आया, चेक इन किया मैं और कल वीडियो एंड करने में भूल गया, तो कोई नहीं चलो अभी एंड कर देता हूँ। अभी वैसे मैं निकल रहा हूँ बरहमपुर के लिए, सुबह 8:45 का अपना ट्रेन है। तो मैं बता दूँ ओवरऑल मेरा जो ये न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी है ना, एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा रहा। इससे ज्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं न्यू दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी में जब मैं जर्नी किया था, वो तो कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा। उनका खाना पीना भी भाई एक नंबर था, मजा आ गया था खाना खा के। इस ट्रेन का ना मैं सच बताऊं तो खाना पीना उतना बढ़िया नहीं लगा मेरे को जितना होना चाहिए। अगर आप तेजस राजधानी में जर्नी कर रहे हो तो आपको एक रहता है कि भाई चलो खाना तो बढ़िया मिलेगा ही, लेकिन उस हिसाब का तो खाना नहीं मिला। वो तो थैंक गॉड अपने सब्सक्राइबर कभी बिरयानी कभी दही बड़ा ये सब दे दे रहे थे, तो उससे खा पी के काम हो जा रहा था अपना। बाकी खाना और अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल जर्नी मैं बोलूंगा बढ़िया था, लेकिन देखो आते आते भी भाई ट्रेन ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट डिले हो गया। अभी ट्रेन में ना बहुत कुछ अपग्रेड होना बाकी है, बस यही था। और इसका हाँ पहला वाला पार्ट जाके देख लेना ये वीडियो एंड होने के बाद। तो चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Right.